ये देखिए आज खत्म हो गया था, क्योंकि रोज ना शरबत पीते हैं तो थोड़ा सा ही बचा था, तो सोची फिर कल के लिए नहीं था तो आज बनाने जा रही थी। फ्रेंड तो फ्रेंड आज मैं बनाऊंगी आप लोग के, दिखाती हूँ सामने, बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाऊंगी फ्रेंड मैं सत्तू किस तरह से बनाती हूँ। तो जौ और चने का मिक्स सत्तू बनता है, बहुत लोग नहीं जानते हैं कि सत्तू क्या होता है, तो मैं आपको पूरे अच्छे तरह से समझाऊंगी सत्तू क्या होता है। ऐसे यूपी बिहार में ज्यादातर लोग जानते हैं, यूपी बिहार का ही है ज्यादातर ये सत्तू। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बनता किस तरह से। तो मैं यहाँ पर एक चना ले ली हूँ, तो ये रेडीमेड चना है, बाकी आपको देखना है देसी जो गांव में बिहार में बनाई जाती है सत्तू, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वो क्या होता है ना, मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें ना रेत डाल करके उसको भुना जाता है चने को, और उसी में फिर उसी से बनाया जाता है, जौ को भी भुना जाता है और उसको थोड़ा सा ना उसका छिलका निकाला जाता है, फिर उसको जो चक्की होती है हाथ वाली उससे थोड़ा सा उसको दाल बनाया जाता है, और दाल से फिर छिलका निकाल करके उसी से उसका सत्तू बनाया जाता है। तो उसका भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। आज मैं इंस्टेंट सत्तू बना रही हूँ, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ जौ और चना दोनों मिक्स दिखाऊंगी। और एक प्लेट ले लेती हूँ, इस चना को ना हमें छिलका को निकालना है। मैं एक बार भी डाल देती हूँ, ये 500 ग्राम है पैकेट, 500 ग्राम का इतना को ना थोड़ा सा इस तरह से ना हाथ से इस तरह से करिएगा ना, तो ये छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाती है। 1 से 2 मिनट में ही ये छिलका निकल जाएगी। तो थोड़ा सा ना इस तरह से हवा करना है, अगर सूप है ना तो उससे कर लीजिए, बहुत ही जल्दी हो जाती है। मेरे पास है बट मैं इतना यूज नहीं करती हूँ, घर रखती हूँ। ये देखिए छिलका निकल जा रहा है, और ये जरूरी नहीं है कि सारा हमें एक एक दाना छिलका निकाल ही लेना है, इसका कोई छिलका नुकसान भी नहीं करता है, थोड़ा बहुत रह भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये चना ऐसे भी ना खाने में काफी टेस्टी लगता है। मैं घर पे अलग अलग तरीके से सत्तू बनाती हूँ, चने की दाल का भी सत्तू मैं बनाई थी, जो रेसिपी में पहले ही डाल दी हूँ, और इसकी लिट्टी बनती है, पराठा बनती है, शरबत बनती है, काफी सारी चीज इसकी बनती है। अपने करते हैं हम लोग लड्डू भी बनाते हैं गुड़ के साथ सान करके, ऐसे भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने निकाल ली हूँ छिलका सारा नहीं, थोड़ा बहुत रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहले ही बताई थी। चना वाला पैकेट में इसको खा लेती हूँ, गांव में तो गाय गोरू रहता है उसे खिला दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सत्तू के लिए रेडी है हमारा चना। मेरे पास हमेशा सत्तू होता है फ्रेंड, अभी मेरा ख़त्म हो गया है सत्तू, मैं बना करके रखती हूँ। ये देखिए आज ख़त्म हो गया था, क्योंकि रोज ना शरबत पीते हैं तो थोड़ा सा ही बचा था, तो सोची फिर कल के लिए नहीं था तो आज बनाने जा रही थी। मैं हमेशा बनाती रहती हूँ, वीकेंड पर एक बार ख़त्म हो जाती है, एक हफ्ता से ज़्यादा चलती नहीं है, क्योंकि हम सबको पसंद है सत्तू का, कभी पराठा कभी लिट्टी कभी कुछ बनाती ही रहती हूँ। तब इसको हम पीस लेते हैं, एक चीज मैंने डालना भूल गई तो थोड़ा कम कर देती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं जौ ले रखती हूँ, ये जौ को ना थोड़ा सा मैं भून लेती, इसको मैं प्लेट में आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए ये है जौ, जौ को भी मैं ना सूखे कढ़ाई में रोस्ट कर ली थी, पहले मैंने इसको जौ को धो ली थी, मार्केट से मैं लेकर आई थी, इधर काफी महंगा मिलता है फ्रेंड, 200 रुपए केजी मिला था ये जौ जो है वो, तो चना से ज्यादा ही महंगा हो जाता है, तो मैं 1 केजी लेकर आई थी, जो पहले भी मैं बनाई हूँ और थोड़ा सा और बचा हुआ था, तो आज मैं यूज करूंगी, पूरा नहीं यूज करूंगी, जैसे कि 1/2 केजी चना हमारा है तो मैं 1 पाव डालूंगी, तो ये मैं आधा ही यूज करूंगी। तो मैं जौ और चना मिक्स सत्तू बनाती हूँ, थोड़ा सा डाल देती हूँ इसमें, अब हम इसको पीस लेंगे।
एक बार बीच में चला लेंगे। तो आपको एक दो बार में इस तरह से ढक्कन हटा हटा करके ना चला लेना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये सत्तू तैयार हो गया। अब इसको हम छानेंगे। इसको छानने के लिए ना अलग से एक छन्नी आती है, बिल्कुल पतला होती है। तो यहाँ पर ये देखिए सत्तू छानने वाला छन्नी है, इसे मैं छानती रहती हूँ। थोड़ा बहुत सत्तू दिख भी रहा होगा, उस सत्तू ही मैं इसे छानती हूँ। जरा बराबर मैं बनाती रहती हूँ सत्तू। इसको हम छान लेते हैं पहले। फ्रेंड काफ़ी हेल्दी है और गर्मी में तो बहुत अच्छा है पेट के लिए। ऐसे तो ऑल टाइम ही अच्छा है बट गर्मी में ज़्यादा ये फायदा करता है। तो देखिए थोड़ा सा ये जो मोटा निकला है ना, इसको मैं अगेन पीस लूँगी। दोबारा से इसको मैं इसी में डाल देती हूँ। और जो हमारा चना भी बचा हुआ है उसको मैं डाल देती हूँ। जो और थोड़ा सा इसमें भी डाल देती हूँ दूसरी बैच वाले में भी। और उसी तरह से फिर से मैं पीस लेती हूँ जिस तरह। तो यहाँ पर देखिए लास्ट वाला बैच भी हमारा पिसाया गया है, इसको भी हम छान लेते हैं। देखिए फ्रेंड सत्तू हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी तरह से सत्तू बनकर के हमारा तैयार हो गया है फ्रेंड। आप किसी भी कंटेनर में भर कर रख दें, एक वीक तक आराम से रह जाता है। तो हमारा हो गया सत्तू एक हफ्ता के लिए तैयार।